लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पिता के वचन की अनुपालना में स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास काटा, पर साफ है कि भाजपाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से एक शब्द नहीं सीख पाए। उल्टा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित हुए चंदे का घृणित दुरुपयोग, वह मंदिर की जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है। 3 तथ्य साफ हैं। नंबर 1, कुसुम पाठक व हरीश पाठक ने अयोध्या में 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 बजे रजिस्टर्ड सेल डीड से 2 करोड़ रुपया में रवि मोहन तिवाड़ी व सुल्तान अंसारी को बेची। उसी दिन 5 मिनट बाद यानी 18 मार्च 2021 को शाम 7:15 बजे पर यही 12,080 वर्ग मीटर जमीन रवि मोहन तिवाड़ी व सुल्तान अंसारी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेचने का रजिस्टर्ड इकरारनामा कर पैसे का भुगतान कर दिया गया। दोनों ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्टर श्री अनिल मिश्रा व श्री ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। श्री अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत कार्यवाहक तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य भी हैं। इन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया है। दूसरे गवाह श्री ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर भी हैं और भाजपा के प्रमुख नेता भी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नजदीकी हैं।